हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आई एम डॉक्टर स्तुति अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में से एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट थ्री क्वेश्चन थ्री टू फोर क्वेश्चन नाउ मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर आर सम समी अदर वे ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर होल बायोलॉजी सिलेबस

नाउ जो ओवरलैपिंग कंटेंट के मैं बारे में बात कर रही थी सो यू विल सी दैट इन ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास इलेवन सिलेबस देर इज़ अ चैप्टर कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन्स और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टरॉन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन uh, किया हुआ है तो इन दोनों का मिला के कुछ ओवरलैपिंग कॉन्टेंट है ऑल्सो कई सारी चीज़ें हैं विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रीप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर विच इज जस्ट नेक्स्ट टू इट राइट right? तो इनका कुछ ओवरलैपिंग कंटेंट है जिसके जिसमें से क्वेश्चन आते हैं दैट इज वाई थ्री टू फोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले आता है गैमिटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन वेन वी टॉक अबाउट गैमेटोजेनेसिस आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या फिर ऊ जेनेसिस इवन बिफोर गैमेटोजेनेसिस एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दैट हियर वी आर प्रिपेयरिंग स्पेशल सेल्स इन द फॉर्म ऑफ गैमिट्स स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बनने के लिए स्पेशल जगह की रिक्वायरमेंट होगी इज इट दैट दे आर गोइंग टू बी हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर ये गैमेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस ना जब हम स्पेस की बात करेंगे सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस चैप्टर में मैं रेकमेंड करूंगी कि आप कोशिश करें कि सारे ही डायग्राम्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो ऑफकोर्स यहाँ से पूछा जा ही सकता है अदर देन दैट आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन अगर आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होगा तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं एंड दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आपको ये पता है कि कौन से स्ट्रक्चर के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द कॉमन पाथवे रिमेंबर तो अगर आपको कॉमन पाथवे पता है तो कई सारी चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप और इवन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे कि हॉर्मोन रेगुलेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट हॉर्मोनल रेगुलेशन तो कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद इट इज इट अगर आप हार्मोन्स के बारे में याद भी कर लें और आपको ग्लैंड्स के बारे में नहीं पता होगा कि कौन से ग्लैंड्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस होल प्रोसेस तो बहुत प्रॉब्लम और कंफ्यूजन हो सकता है इन द नीट एग्जाम सेम चीज गो सेम चीज एप्लीकेबल है फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल तो आपको ग्लैंड्स पता होना चाहिए कौन कौन से ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं एंड द हॉर्मोन्स दैट आर टेकिंग पार्ट देर आर एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन दिस होल प्रोसेस नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी द दफकोर्स पार्ट्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ सो इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यू शुड बी थरो विद द ग्लैंड्स दैट आर गोइंग टू बी देर राइट यहाँ पर बल्बो यूरिथल ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरी ग्लैंड हैज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक फंक्शन राइट right? हर एक का एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको पता होना चाहिए सेम गोज विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है उसके एपिथीलियम में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं जहाँ पर होते हैं सेल्स एंड देन देर आर जर्म सेल्स राइट जहाँ से स्पर्म बनना शुरू होता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है और प्रोसेस भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये सारी चीजें आ गई ऊ में भी सेम है एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है लेट से हम किसी एक्स सेल से वाई सेल बना रहे हैं सो हियर लेट से दिस इज अ गैमेट करेक्ट और ये एक जर्म सेल है अगर किसी जर्म सेल से मुझे गैमेट बनाना है तो मान लीजिए मुझे किसी ए सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है दिस कुड बी एन एनजाइम दिस कुड बी अ सब्सटेंस और अ सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड एनीथिंग राइट मतलब अगर मुझे एक्स से वाई बनाना है विद द हेल्प ऑफ ए राइट मान लीजिए ये एक प्रोसेस है यहाँ पर माइटोसिस या मी ऑसिस भी लिख सकते हैं राइट सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी वेरी कॉमन इन योर नीट एग्जाम कि अगर एक्स से वाई बन रहा है तो किस चीज़ की वजह से बन रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी एनजाइम के बारे में हम डिस्कशन कर लें या स्पेसिफिकली वैन वी आर टॉकिंग अबाउट गैमेट फॉर्मेशन तो हॉर्मोन्स जैसे कि एफ एस एच एल एच इज इंट इट तो माइटॉसिस और मियोसिस इनमें से किस प्रोसेस से हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी कॉमन इन योर नीट एग्जाम मियोसिस राइट ये वाले क्वेश्चंस जरूर याद रखिएगा कि कहां पर माइटोसिस हो रहा है कहां पर मियोसिस हो रहा है एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां मेंशन करना चाहती हूं कि माइटोसिस और मियोसिस जहां तक कंसर्न है आप देखेंगे कि हम यूजुअली जब गैमेट फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो वी ऑलवेज से कि मियोसिस इज टेकिंग प्लेस सेच इज ट्रू लेकिन किसी भी टाइप के सेलुलर डिवीजन में हमेशा आप देखेंगे कि दोनों टाइप के सेल डिवीजन विल टेक प्लेस इट इज ओनली मैटर ऑफ बेसिकली यू कैन से डोमिनेंस कहीं कहीं पर माइटोसिस ज्यादा डोमिनेंट होगा कहीं पर मियोसिस ज्यादा डोमिनेंट होगा लेकिन लगभग जितने भी सेल फॉर्मेशन होती है जितनी भी टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं उनमें दोनों ही प्रोसेस विल टेक प्लेस राइट नेक्स्ट अब फॉर्मेशन ऑफ गैमिट हो गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सिर्फ बना बनाकर रखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है उनको सही टाइम पर सही प्लेस पर पहुंचाना भी जरूरी है सो वेन आई से टाइम आई मीन फर्टिलिटी विंडो जो कि लगभग आती है साइकिल के बीच में बिटवीन नाइन टू फोर्टींथ डे देन इफ वेन आई से प्लेस प्लेस का मतलब अगर आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है यस द एम्प्यूलरी राइट सो ये दो चीजें अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन आप कब बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो गया है वेन जाइगोट इज बींग फॉर्मड राइट जाइगोट अगर बन गया है दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन हुआ है और अगर नहीं बना दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इवन दो स्पर्म हो सकता है एंटर कर गया हो इन द फिलोपिन ट्यूब ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले आता है इम्प्लांटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इम्प्लांटेशन में आपको याद रखना होगा अबाउट ब्लास्टोमेयर ब्लास्टोसिस्ट किसको कहते हैं और मोर्यूला किसको कहते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर जो डिफरेंस है दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर गोइंग टू बी देर तो जाइगोट अगर मान लीजिए सिंगल सेल है तो ब्लास्टोमियर कितने सेल आ, सेल से बनेगा ब्लास्टोसिस्ट कितने सेल से बनेगा मोरूला कितना सेल स्टेज है ये आपको याद होना ही चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप देखेंगे कि पीवाईक्यूज क्यूज में काफी बार ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है देन देर इज समथिंग कॉल एज जेस्टेशन पीरियड जहां पर जाइगोट बेसिकली कंप्लीटली डेवलप होता है इनटू द एम्ब्रियो तो यहां पर आप लिख लें एम्ब्रियो स्टेज और एम्ब्रियो के बाद बनेगा ऑफ कोर्स फीटस एम्ब्रियो के नेक्स्ट बनेगा फीटस। फीटस ही ग्रो होगा और ह्यूमन बेबी की तरह दिखेगा एंड देन फाइनली पाचुरेशन विल टेक प्लेस दैट मींस द डिलीवरी ऑफ द बेबी ये सारी की सारी प्रोसेस हर एक स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि जब आप ये चैप्टर पढ़ें तो बहुत ध्यान से हर ही लाइन पे आप फोकस करें बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोस्ट चैप्टर जहां पे हर ही चीज एक दूसरे से एसोसिएटेड है तो अगर आप कोई लिंक बीच में मिस आउट करते हैं देन नेक्स्ट चीज हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर दे नाउ नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने अब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अबाउट इम्प्लांटेशन जेस्टेशन एंड द पार्चुरेशन पार्ट यहां पर कुछ कुछ, कुछ चीजों का सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है जैसे जब हम इम्प्लांटेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको इम्प्लांटेशन के बारे में एक चीज पता होना चाहिए एंडोमेट्रियम अब देखिए अगर आपको साइकिल ठीक से नहीं याद है तो आप एंडोमेट्रियम कब थिक हो रहा है कब थिन हो रहा है किस हॉर्मोन के अंदर ये काम हो रहा है ये सारी चीजें आप हो सकता है भूल जाए तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस एंड हॉर्मोन एसोसिएटेड विद इट एंड किस पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगा सो दिस अगेन आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस कि हर एक चीज आपस में काफी ज्यादा एसोसिएटेड है तो इफ यू आर मिसिंग आउट एनी पॉइंट हो सकता है आपको नेक्स्ट चीज समझ में ना आए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन ऑल्दो इफ आई टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल अलोन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये चीज नहीं आती है मैंस्ट्रल साइकिल ओनली टेक्स प्लेस वेन देर इज नो फर्टिलाइजेशन राइट जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ नाउ यूट्रस हैव टू प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर द प्रेगनेंसी, राइट तो क्या होता है एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो शेड ऑफ हो जाती है एज मैंस्ट्रल ब्लीडिंग आई होप दिस इज क्लियर ना नेक्स्ट थिंग इज जेस्टेशन पीरियड जेस्टेशन पीरियड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट आप पढ़ेंगे विच इज द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी तो हर एक वीक में अगर आपको पता हो कि प्रेगनेंसी के बारे में जब भी हम बात करते हैं सो वी आई कैलकुलेट द डेज और वी टॉक इन वीक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर एक छोटा सा चार्ट है और आप देखेंगे कि हर एक वीक में एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी इज डेवलप्ड राइट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर अगेन वेरी कॉमन इन योर नीट एग्जाम तो हर एक वीक में एक स्पेसिफिक चीज डेवलप होगी फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट हार्ट

नाउ मूविंग अहेड इसके बाद हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे पाचुरेशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं पाचुरेशन के साथ साथ क्या चीजें होती हैं जेस्टेशन में एक और चीज मेंशन कर लीजिए प्लेसेंटा प्लेसेंटा इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस होल प्रोसेस ठीक है प्लेसेंटा के कुछ अपने फंक्शंस हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछे जा चुके हैं नहीं नीट एग्जाम पोस्ट डिलीवरी शन के बाद क्या चीजें होती हैं ना यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेबी से ध्यान हटके अब जाएगा मदर के ऊपर जहां स्टार्ट हो जाता है लैक्टेशन एंड ऑल्सो यहां पर भी प्लासेंटा का अपना एक अलग रोल है ठीक है तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको एसोसिएशन पता होना चाहिए एंड स्पेसिफिकली हॉर्मोन्स एसोसिएटेड विद इट अगर आपको याद हो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में मैंने मेंशन किया था दैट देर आर अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग टॉपिक्स फ्रॉम दीज टू चैप्टर्स तो हॉर्मोन्स असोसिएटेड विद लैक्टेशन प्रोलैक्टिन हॉर्मोन असोसिएटेड विद पार्चुरेशन ऑक्सीटोसन ऑक्सीटोसन वैसे तो हैप्पी हॉर्मोन कहलाता है लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेसिफिकली पार्चुरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन यूटर्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हेल्प करता है और प्रोलैक्टिन इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद द मिल्क दैट इज बिंग सीक्रेटेड थ्रू द मै मेमरी क्लांट्स राइट आई होप दिस मच इसकेर सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस सीक्वेंस में और किस मैनर में इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है फॉर योर नीट एग्जाम सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से समझ पाएँ इसका रिलेशनशिप विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर स्टेटू आर चैनल डोंट फरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय टेक केयर